सचिन पायलट ने जांजगीर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। आज कार्यकर्ता जांजगीर के दौरे पे आए हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई? बहुत अच्छा आज का फीडबैक रहा। चुनाव शुरू हो चुके हैं और हमारे कैंडिडेट श्री भेड़िया जी के पक्ष में हम सब लोग यहाँ पर वोट मांगने आए थे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भाजपा के लगातार सांसद बने हैं बहुत ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए विकास में, और अब जनता उठ चुकी है, बदलाव चाहती है। केंद्र की सरकार के खिलाफ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो परिणाम अब तक कांग्रेस पार्टी के आए हैं छत्तीसगढ़ में, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर इस बार परिणाम आने वाले हैं। और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हम सब लोगों ने मिलकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया, कार्यकर्ताओं से एकजुटता का परिचय दें। अभी चुनाव में समय है, लेकिन अभी से ही हमारे कार्यकर्ता वोट रोड जा रहे हैं, गाँव देहात में संपर्क कर रहे हैं। एक अच्छा सकारात्मक माहौल पूरे प्रदेश में बना हुआ है। कांग्रेस के पक्ष में ठीक तो बनता है, लोगों की मानसिकता बनती है। कांग्रेस का समय सही नहीं रहता है, सुबह की समय है और परिस्थितियाँ बदलती हैं। 10 साल पहले सरकार बनी थी केंद्र में, आज लोग मूल्यांकन कर रहे हैं 10 साल में क्या उनका जीवन पहले से बेहतर हुआ है, क्या महंगाई कम हुई है, क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है। हर व्यक्ति अपना भविष्य देखना चाहता है और भाजपा ने 10 साल की सरकार में बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं दी। विज्ञापन बहुत दिए, भाषण बहुत दिए, इश्तिहार बहुत छापे, व्हाट्सएप पर खूब प्रचार किया, लेकिन धरातल पर जो विकास होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। और मैं मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि देश में जो खाई बढ़ गई।